गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आया। कल तक हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, उसकी एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको आगे करने से पहले मैं आप सब मैं अपने सभी दोस्तों से, अपने सारे बच्चों से, सभी से ये निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब सभी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आज के समय में जब हम डायरेक्ट बच्चों के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनको वीडियो का लाभ मिल सके। मेरी तरफ से यदि कोई कमी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या कोई क्वारी है तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि मैं और बढ़िया वीडियो निकाल सकूँ। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन सी वीडियो मैं कब बना रहा हूँ। अभी मैं 10th की सीरीज पे चल रहा हूँ, उसके बाद +1 +2 और 9th भी कंप्लीट करूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख के पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, वो मुझे सेंड करें। मेरा नंबर है 9812254187। नाउ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करवा चुका था। अब मैं उसकी एडवांटेज बता चुका था कि क्या एडवांटेज है सीरीज की। अब डिसएडवांटेज की तरफ, ठीक है, आइए। सबसे पहले डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने यहां पर एक सीरीज सर्किट बना दिया है, वैसे टोटल सर्किट ना बना के मैंने ये बना दिया। क्या है, इफ वन इक्विपमेंट फेल्स, यदि एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है, इफ वन इक्विपमेंट फेल्स, यदि एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है, माना एक वायर कट गई या एक बल्ब फ्यूज हो गया या एक इक्विपमेंट कोई भी खराब हो गया, तो अगले जो इक्विपमेंट है वो सारे के सारे इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सारे एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। यदि एक इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है, कनेक्शन टूट जाता है या कोई कुछ भी है, तो वो अगले इक्विपमेंट क्या होता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। दूसरी, रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस, अब मैंने बताया था कि सीरीज में क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है R1 + R2 + R3। दैट मींस सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वर्क प्रॉपर, जो करंट है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। तो पहुंचता तो है मगर धीरे धीरे पहुंचता है, और यानी प्रॉपर काम नहीं हो पाता, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सीरीज के अंदर। करंट रिमेन सेम फॉर ऑल इक्विपमेंट, सभी के लिए करंट सेम रहेगा, चाहे वो एसी है, एलईडी है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, सबके लिए करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस आप देखो, एलईडी का तो उसको कम करंट की जरूरत है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क करेगा। एसी है वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क करेगा, या आपका फैन है वो थोड़ा कम में करेगा एसी से। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग होगा। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पहले हमने एक ही वायर से सारे इक्विपमेंट को जोड़ा हुआ था, अब मैं अलग अलग वायर से इक्विपमेंट को जोड़ूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने वायर ली, इस वायर में एक वायर ये निकाल दी और एक वायर ये निकाल दी, एक वायर ये निकाल दी, इसके साथ एक रेजिस्टर, इसके साथ दूसरा रेजिस्टर, इसके साथ तीसरा रेजिस्टर, ये तीन रेजिस्टर जोड़ दिए। किसके साथ जोड़ दिए, एक वायर के साथ जोड़ दिए। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। जब आपने इसको जोड़ दिया
तो इसको बैटरी के साथ अटैच कर, बैटरी के साथ अटैच कर दिया, एक एमीटर लगा दोगे इसके बीच में, ये एमीटर, मैंने कहा था सीरीज में एमीटर लगता है, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है, आपने पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब करंट कितना जाएगा, आई आई करंट यहां से फ्लो करेगा, मगर ये मैंने बताया था यहां एलईडी लगाई आपने, ये फैन लगाया और यहां एसी लगाया, एज एग्जांपल बता रहा हूं मैं, क्योंकि बैटरी पे एज एग्जांपल बता रहा हूं कि एलईडी, एलईडी को कम करंट की जरूरत है तो वो करंट आई वन ले लेगी, फैन को थोड़ा ज्यादा करंट की जरूरत है तो आई टू ले लेगा, और एसी को सबसे ज्यादा करंट की जरूरत है तो आई थ्री ले लेगा। अब इस कॉम्बिनेशन, जितने आपके घरों में जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, क्यों पैरेलल में होते हैं, कैसे पैरेलल में होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि घरों में आपने एक एमसीबी को गिराया, तो एक एमसीबी को गिराया तो एक कमरे की लाइट कट जाती है, दूसरी गिराओगे दूसरे कमरे की लाइट चली जाएगी, तीसरी गिराओगे तीसरे कमरे की लाइट चली जाएगी, वो किस लिए मेंटेन करते हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग ना हो, और क्या होता है कि करंट प्रॉपर पहुंच सके, जिस कमरे को जितने करंट की जरूरत है उसको उतना करंट मिल सके। अब देखिए करंट आई था, टोटल करंट आई था सर्किट का, और आई वन एलईडी के लिए, आई टू फैन के लिए, आई थ्री एसी के लिए, ये करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट है अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट, मगर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मैंने आपको बताया था वन एंड और दो, वन और सेकंड एंड के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, आपने क्या किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सारे दोनों ही वायर से जुड़े हुए हैं, दोनों वायर किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखिए करंट क्या हो रहा है, अब करंट अलग अलग हो रहा है, मगर करंट कितना दिया था आपको, आई दिया गया था करंट, अब आई इसमें कंबाइन हो गया, किसमें बदल गया, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इस तरह करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, मगर ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है आपका कि V इज इक्वल टू आई आर, V किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, आपने क्या लेना है, I निकालना है, I किसके बराबर होगा, V अपॉन R के, तो V I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, यहां पर R3 है, तो आपने यहां तो लिख दिया V अपॉन R, I को क्या लिख दिया आपने, V अपॉन R लिख दिया, यहां पर आप क्या लिखोगे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, इस तरह आपने क्या किया, रेजिस्टेंस भी आपके डिवाइड हो गए, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3, क्योंकि अब करंट जिसके अकॉर्डिंग चल रहा है, अब V अपॉन R एज इट इज लिया आपने, V कॉमन ले लिया, तो वहां क्या बच गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आपने क्या किया, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाय R किसके बराबर आ गया आपका, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो आपका जो रेजिस्टर पैरेलल रेजिस्टेंस ये उसका कॉम्बिनेशन आ गया। अब पैरेलल रेजिस्टेंस, अब मैं इसके थोड़ा एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए, एक ले लिया 3 ओम, एक ले लिया 4 ओम, एक ले लिया 6 ओम, तो ये सीरीज में लिए, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मींस इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6, दैट मींस 13 ओम, बट यदि हम इसको रेजिस्टेंस को किसमें लें, पैरेलल में लें, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया 13 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is equal to 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 6। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका, एलसीएम यहां लेके दिखाता हूं मैं आपको,
थ्री फोर सिक्स, थ्री वन जा थ्री फोर, थ्री टू जा सिक्स, टू टू वन जा टू, टू टू जा वन, टू टू जा फोर, टू 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 वन जा टू, टू से थ्री वन वन वन, तो दैट मीन्स फोर थ्री जा ट्वेल्व, आपका वैल्यू क्या आ गई ट्वेल्व। आपने थ्री से डिवाइड किया, फोर वन जा फोर प्लस थ्री प्लस टू, दैट मीन्स नाइन बाय ट्वेल्व, तो आपकी वन बाय आर इसके बराबर आ गया नाइन बाय ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो ये वन बाय है तो हम इसको ऊपर करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा फोर बाय थ्री यानी कि 1.33 ओम। तो आपने देखा जब हमने इसको सीरीज में किया तो रेजिस्टेंस हो गया 13 ओम जो ज्यादा है, मगर जब आपने पैरेलल उसको कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस आ गया 1.33 ओम। तो कहने का मतलब है कि जब सीरीज में रखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पैरेलल रखेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। घट क्यों जाएगा? क्योंकि हर एक को अपनी अलग अलग करंट मिलेगा, ताकि जितना करंट जिसको जितनी जरूरत है वो उतना काम कर सके। तो ये हो गया 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 6, LCM आ गया आपका 12, काट दिया आपने, तो 1 by R कितना आएगा 9 by 12, तो आपने equivalent resistance आगा 4 by 3, क्योंकि 1 by R था, तो R ऊपर चला जाएगा, तो 4 by 3 हो गया, तो 1.33 हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि आपके घरों में जो आपके घरों के अंदर जो भी सर्किट लगाए जाते हैं वो पैरेलल में लगाए जाते हैं, और पैरेलल में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि प्रॉपर पोटेंशियल सेम रहे, और पोटेंशियल सेम रहेगा तो जितना करंट जिस इक्विपमेंट को चाहिए उस इक्विपमेंट को मिलेगा, और हर एक इक्विपमेंट का अपना एक स्विच होगा। यदि आपने एक स्विच को बंद कर दिया तो फैन ऑफ हो गया, दूसरे स्विच को बंद कर दिया तो बल्ब ऑफ हो गया, तीसरे स्विच को आपने बंद कर दिया तो आपका टीवी ऑफ हो गया। तो इस तरह क्या होगा कि पैरेलल के अंदर हर एक स्विच का अपना अपना हर एक स्विच अपने अपने इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं कम होता, वो अलग कॉज होते हैं जिसकी वजह से कम हो जाता है, मगर वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है घर में वो सेम रहेगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, जैसे आपने सीरीज की करी है वैसे ही पैरेलल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे, ठीक है जी। अब मैं पैरेलल की एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर रहा हूं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एडवांटेज क्या है, मैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देता हूं। R1, R2, R3. Number one, if one equipment fails, it do not affect on other equipments. यदि एक इक्विपमेंट फेल हो जाता है, माना ये वाला काम करना बंद कर गया तो ये दोनों काम करेंगे, ये काम करना बंद कर गया तो ये दोनों काम करेंगे, दोनों दो काम करने बंद कर देते ना तीनों तीसरा काम करेगा। तो यानी कहने का मतलब है एक इक्विपमेंट खराब भी हो जाता है, आपका एलईडी खराब भी हो जाती है तो आपका एसी और फैन काम करेगा, और यदि फैन खराब हो जाता है तो एलईडी और एसी काम करेगा, यदि दोनों एलईडी और फैन खराब हो जाते हैं तो एसी जरूर काम करेगा। तो उसमें क्या था, उसमें एक खराब हो गया तो सारे के सारे खराब हो गए। दूसरी बात, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया तो सारे एक ही दो पॉइंट्स पर ही टच करते हैं, सारे दो वायर से ही टच हो रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। फोर्थ,
एनर्जी लॉस मिनिमम, एनर्जी लॉस होगा ही नहीं क्योंकि एलईडी को कम करंट की जरूरत है तो कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ फ्लो कराएगी, एसी को ज्यादा किया तो वो ज्यादा कराएगा, उसी हिसाब से उसके अंदर वायर लगेगी तो एनर्जी लॉस कम होगा। तो ये होगी एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसकी नंबर वन कॉस्ट ऑफ वायरिंग इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्विच इंक्रीजेस, वायरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि हर एक इक्विपमेंट के लिए वायर लगेगी अलग अलग, नंबर ऑफ स्विचेस हर एक इक्विपमेंट के लिए अलग स्विच लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और कोई नुकसान नहीं। अब आ जाते हैं जी, ये हो गया आपका एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने देखा होगा जब आप सभी लोग मोबाइल को चलाते हैं तो मोबाइल थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, आपने अपना टीवी ऑन किया थोड़ी देर के बाद गर्म हो गया, आपने अपना रेफ्रिजरेटर ऑन करते हो आप पीछे लगा हाथ लगा के देखो गर्म हो जाता है, आप एसी चलाते हो आदर आगे कूलिंग होती है मगर पीछे गर्मी फेंकता है, तो व्हाट इज दिस, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी कोई चलता है तो वहां पर क्या होता है, हीट पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर से पास होंगे तो हीट पैदा करेंगे। तो यदि जैसे आप भी कोई काम करते हैं, काम करने से आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, हीट पैदा होती है, आप एक्सरसाइज करते हो तो हीट पैदा होती है, मगर जब कोई चलता है तो हीट पैदा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो हीट पैदा करेंगे, फ्रिक्शन पैदा करेंगे, फ्रिक्शन क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा उतना फ्रिक्शन पैदा करेगा, तो दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन के इसकी वजह से हीट पैदा होती है, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो हीट पैदा करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन चार्जेस फ्लो थ्रू अ सर्किट, व्हेन चार्जेस फ्लो थ्रू अ सर्किट देन सर्किट बिकम हॉट आफ्टर sometime due to motion of electron called heating effect, उसको क्या कहा जाता है, heating effect का। When charges flow, जब charges flow करेंगे through a circuit, एक circuit में से, then circuit become hot after some time due to motion of electron called heating effect of current। ये electron है तो उसे बोलते हैं heating effect of current। आप इसकी practical कहां पर, कहां कहां आप देख सकते हो practical application में, आप अपनी तरफ से देख सकते हो practical application, electric heater, electric press, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो आपके हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं। अब हीट कैसे पैदा होती है, मैंने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हीट पैदा करते हैं, तो हीट कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, ये मैंने बता दिया कि किस वजह से पैदा होती है। अब हम चलेंगे इसके ऊपर, एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया है जिसको आप बोलोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब मैं आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करवाऊंगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हां जी, आप पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
जूल्स लॉ ऑफ क्या कहता है जूल्स लॉ? जूल्स लॉ कहता है कि जब किसी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो हीट पैदा करते हैं, और वो हीट किस पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है वो हीट? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ करंट, स्क्वेयर ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट। नंबर वन, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, यानी कि जो हीट है वो पैदा होगी स्क्वेयर ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, यानी कि एक सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वेयर। सेकंड, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू time period for which current is flowing. Heat time period पर दोबारा बताता हूं, heat directly proportional होगा square of current, कि एक सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना रेजिस्टेंस वो सर्किट ऑफर कर रहा है उस करंट के लिए उस पर। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, H is directly proportional to I square RT। जब directly proportional का मैंने पहले बताया था, physics में जब sine हटाते हैं तो K लगता है constant, I square RT। तो put K is equal to 1, K की value क्या होती है? 1 होती है। तो H की value क्या होगी? I square RT। तो ये है Joule's law of heating। According to Joule, यानी किसी भी circuit से यदि heat पैदा, किसी भी circuit में यदि heat पैदा होती है तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के ऊपर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ओपन बाय दैट सर्किट और टाइम टेकन बाय द करंट टू फ्लो थ्रू दैट सर्किट। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज पावर, पावर पावर क्या है? पावर आप सभी सुनते हैं, पहले आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, पावर पी से लिखते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, इज नोन एज पावर। बट यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। दूसरा है रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज पावर। और हाउ मच वर्क इज डन इन अ गिवन टाइम, और ये और हो गया आपका। तीसरा,
how much work is done in a given time by any electric equipment कि कितना काम किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ने किया, हाउ मच वर्क इज डन इन अ गिवन टाइम बाय एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, एक गिवन टाइम में कितना काम किया, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, एसआई यूनिट होती है वाट, WAT वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल, वर्क की यूनिट होगी जूल, टाइम की यूनिट होगी सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड। तो हाउ मच वर्क, कितना काम किया इन अ गिवन टाइम बाय एन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के द्वारा, दैट इज नोन एज पावर। पावर, अब आप पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, पावर क्या है कि कितना काम कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट करता है कितने समय में, दैट्स नोन एज पावर। आप देख रहे हैं, आप घरों में बल्ब लेते हैं, बल्ब पे 100 वॉट लिखा होता है, 60 वॉट, 60 वॉट, 22 वॉट, 24 वॉट, 20 वॉट, 15 वॉट, 9 वॉट, CFL का आप लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि इतने वॉट की CFL दे दो, तो वो वॉट क्या है, वो पावर है, यानी कि इतनी एनर्जी वो एक सेकंड में कंज्यूम करता है, यानी कि यदि 60 वॉट का मतलब है 60 जूल एनर्जी, 60 जूल एनर्जी एक सेकंड में कन्वर्ट करता है, यदि 100 वॉट है तो 100 वॉट का 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कवर करता है। तो पावर इज इक्वल टू, पावर में हम, मैंने वो वॉट को डिफाइन करना था, 1 वॉट पावर इज सेट टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय any electric equipment in 1 second. 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. So 1 W is equal to joule per second. अब 1 वॉट को डिफाइन कर दिया आपने, अब मैं पावर की रिलेशन बताऊंगा, पी रिलेशन, पी इज इक्वल टू W/T, वर्क के साथ। अब वर्क क्या है, वी इज इक्वल टू W/Q, आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल की केस में, तो यहां पर W क्या हो जाएगा, V into Q, तो हम यहां लिखेंगे V into Q divided by T, पावर का एक रिलेशन। दूसरा, V is equal to IR, आप सभी जानते हैं, बाय ओम्स लॉ, और Q is equal to IT, करंट पे मैंने आपको कराया था, Q is equal to IT, V is equal to IR, आप पुट करोगे IR into IT upon T, इसे T कैंसिल आउट हो गया, I square R, T की वैल्यू आ गई, I square R, बट I is equal to V upon R, पुट करो T is equal to V square upon R square into R,
आर से आर कैंसिल आउट हुआ, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन। तो ये कुछ रिलेशन थे पावर के, वर्क और टाइम की टर्म में, पोटेंशियल और चार्ज की टर्म में, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में, और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में। यहां पर आपका पावर कंप्लीट होता है। यूनिट आपको क्या है, वन वॉट है। और इसकी कमर्शियल यूनिट, हम जो कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट इसकी 1 किलोवाट, तो 1000 वॉट के बराबर है। तो 1 किलोवाट इसकी ये कमर्शियल यूनिट है, पावर की कमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट। मैं आपको पावर तक करवा चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर से आगे चलूंगा और आपको अगले जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराऊंगा। साथ में आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा, न्यूमेरिकल वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए दीजिए। बेल आइकन से आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी कि मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ, कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ, इसके बाद 9th, 10th, +1, +2 सारी सीरीज फिजिक्स की और 9th, 10th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज भी डलेंगी। तो ध्यान से जितनी भी नॉलेज है साइंस की आपको दी जाएगी, जो मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने की और आगे भी करता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।